प्रेजेंटेड बाय कोफोटेक सॉल्यूशंस टीम। ये हमारी इस वीडियो सीरीज़ की 10वीं वीडियो है जो कि हमने कस्टम थीम डेवलपमेंट इन वर्डप्रेस में अभी तक देखा हुआ है। पिछली वीडियो सेशन में हमने डिस्कस किया था कि वर्डप्रेस के पोस्ट टाइप को कैसे बनाएं और उसको हमने अपने पेज पे डिस्प्ले भी कराई थी। इस वीडियो सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम अपना कस्टम पोस्ट कैसे रजिस्टर करें वर्डप्रेस के एडमिनिस्ट्रेटर पैनल में, वहाँ से उस पोस्ट को क्रिएट करें और उन पोस्टों को हम अपने पेज पे कैसे शो करें। लास्ट वीडियो और इस वीडियो में एक ही चीज़ की डिफरेंस है, वो डिफ़ॉल्ट फीचर्स थी वर्डप्रेस की और ये जो फीचर होगी ये हमारी मीन्स कस्टम होगी, कस्टम थीम की फ़ीचर होगी, ठीक है। और अगर आप बिगनर हो गाइस वीडियो से, तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू वॉच माय प्रीवियस वीडियो सेशंस। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपको आगे बढ़ने में और भी हेल्पफुल होगी कि आप चीज़ों को समझ पाएंगे, क्योंकि अगर आप चीज़ों को नहीं समझेंगे स्टार्टिंग से तो शायद आपको डिफ़िकल्टी हो जाएगी इस वीडियो को समझने में। हमने स्टार्टिंग से काफ़ी कुछ बात किया हुआ है कि हम कस्टम थीम को कैसे इंट्रोड्यूस करें वर्डप्रेस में, कैसे इंस्टॉल करें, कैसे हेडर फुटर फाइलें सारी फाइलों को कैसे लिंक करें, कैसे पोस्ट को किसी पेज पर डिस्प्ले करें। तो दीज आर द सेशंस दैट वी हैव मेड सो फार। आपको अगर आप बिगनर हो तो आपको जाना चाहिए। और दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया हो तो थैंक यू वेरी मच। सो हम अगर अपने कस्टम पोस्ट को रजिस्टर करना चाहते हैं वर्डप्रेस के एडमिनिस्ट्रेटर पैनल में, मतलब कि ये हमारी डैशबोर्ड है, ओके। आप इन टैब्स को देख सकते हैं, ये पोस्ट के टैब बने हैं, ये मीडिया की टैब है, पेजेस, कमेंट्स, अपीयरेंस, प्लगइन्स, यूजर्स, टूल, सेटिंग्स। तो ये जो मेन्यू सेक्शंस है ये वर्डप्रेस डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करती है, ओके। और ये जो सेक्शन है पोस्ट, ये वर्डप्रेस डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करती है हमें पोस्ट बनाने के लिए। सो इन दिस वीडियो सेशन वी वॉन्ट दैट वी विल मेक अ न्यू कस्टम पोस्ट टाइप, मतलब कि हम एक नया कस्टम पोस्ट टाइप बनाएंगे इस एडमिनिस्ट्रेटर पैनल में जो कि हमारे पोस्टों को क्रिएट करेगा और उन पोस्टों को हम अपने कस्टम पेज पे शो करेंगे। ओके, लेआउट बिगड़ चुकी है क्योंकि हमने जो लास्ट वीडियो सेशन में गाइज बनाया था वो ऐसी थी कि हमने जो कस्टम पोस्ट टाइप बनाई थी वो डिफ़ॉल्ट फीचर थी हमारी वर्डप्रेस की, उन्हीं को शो किया हुआ था हमने। सो अगर हम इस टाइप की चीज करना चाहते हैं, अगर कस्टम पोस्ट टाइप रजिस्टर करना चाहते हैं, तो हमें functions.php फाइल में अपने एक्शंस को मीन्स कोड को लिखना पड़ेगा और उसे एक्शन हुक के जरिए अटैच करनी पड़ेगी, क्योंकि एज वी हैव डिस्कस सो फार functions.php इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल इन वर्डप्रेस। functions.php फाइल एक लौती ऐसी फाइल होती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, सारे इंस्ट्रक्शन सेट्स वहीं से बनते हैं और वहीं से टूटती है, ठीक है। तो अगर हम कस्टम पोस्ट टाइप रजिस्टर करना चाहते हैं तो हमें functions.php फाइल में कोड करनी पड़ेगी। और मैं चीज़ और बता दूँ कस्टम पोस्ट टाइप क्या होती है। एक्चुअली आप जब हमने लास्ट वीडियो सेशन में देखा था, जब भी हमें कोई पोस्ट बनाई थी अपने पोस्ट वाले टैब से, तो इसकी जो पोस्ट टाइप में सेव होती थी, जो वर्डप्रेस सेव करते थे, वो पोस्ट टाइप पोस्ट होती थी, ओके। लेकिन हम चाहते हैं कि इस वीडियो में कि कस्टम पोस्ट टाइप का जो हम भी कोई पोस्ट जब भी कोई सेव करें तो उसकी पोस्ट टाइप पोस्ट ना हो, वो कुछ और हो जो हम डिफाइन करेंगे। तो उन फीचर्स को हम अभी देखेंगे और उनको डिस्प्ले भी करना है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले functions.php फाइल खोल लें। अगर कोई भी चीज़ हमें बनानी हो सबसे पहले हमें फंक्शंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो रजिस्टर माई सपोज प्रोजेक्ट्स, ओके, ये हमारी फंक्शन का नाम। यहाँ पर हम कोड लिखेंगे और इसे हम अटैच करेंगे विथ एक्शन हुक, ओके, एक्शन हुक। उसकी जो सिंटैक्स होगी एड एक्शन, यहाँ पर ड्यूरेशन होगा और यहाँ फंक्शन का नाम, कॉपी कर लेते हैं फंक्शन के नाम को, पेस्ट इट हियर। और हम ये फंक्शन कब एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हमारी जो कस्टम पोस्ट है रजिस्टर हो एडमिनिस्ट्रेटर पैनल में, वो थीम इनिशियलाइजेशन के तुरंत बाद हो। तो आई नीड मैथड इज़ दैट, आई नीड मैथड इनिशियलाइजेशन मैथड के तरह काम करती है। जब भी हमारी थीम इंस्टॉल होगी, इनिशियलाइज होगी, वैसे ही हमारी कस्टम पोस्ट टाइप रजिस्टर हो जाएगी।
and this is the syntax that we have to write while making any functions in functions.php. इसकी बातें सारी हमने अपने लास्ट वीडियो सेशंस में की हुई हैं. तो अब हम यहाँ पर कुछ कोड करेंगे जिससे कि हम अपने एडमिनिस्ट्रेटर पैनल में कस्टम पोस्ट टाइप को रजिस्टर करेंगे. तो रजिस्टर पोस्ट टाइप बनाने के लिए रजिस्टर कस्टम पोस्ट टाइप एक मेथड होती है एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स वर्डप्रेस में, जो कि वर्डप्रेस डेवलपर्स ने बनाए हुए हैं अपने कस्टम पोस्ट टाइप को रजिस्टर करने के लिए. तो मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है फॉर सेविंग आवर टाइम. कॉपी दिस कोड एंड पेस्ट इट हियर. तो आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान से मेथड है. मैं समझाऊँ आपको, रजिस्टर पोस्ट टाइप एक डिफाइंड मेथड है वर्डप्रेस की रिपॉजिटरी में. ओके, ये क्या करती, ये एक कस्टम पोस्ट टाइप को रजिस्टर करती है एडमिनिस्ट्रेटर पैनल में. अब इसे क्या चाहिए, इसे दो पैरामीटर चाहिए. फर्स्ट पैरामीटर वो पैरामीटर होगी जब हम कोई पोस्ट अपने इस टूल के जरिए बनाएंगे, तो जब ये पोस्ट इस टेबल में जब सेव होगी डब्ल्यू पी पोस्ट, तो उसका पोस्ट टाइप क्या होगा, पोस्ट टाइप क्या होगा, पोस्ट टाइप क्या होगा, उसके लिए हमें फर्स्ट पैरामीटर देनी होगी कि वो जो पोस्ट जो हम बनाएंगे अपने इस टूल से मीन्स आवर प्रोजेक्ट्स के टैब से, उसकी पोस्ट टाइप कस्टम प्रोजेक्ट्स होगी. ओके, और ये टैब का नाम होगा, ये इसका सिंगुलर नेम होगा, पब्लिक ट्रू, सो इन नेम मैनेज ट्रू, हैज़ आर्काइव फॉल्स, सपोर्ट्स. तो सपोर्ट्स भी हटा देते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर होगा. अब मैं इन चीज़ों को लिखने के बाद मैं अब फंक्शंस और पीएचपी फाइल सेव करता हूँ कंट्रोल एस टू सेव, और अब मैं रिफ्रेश करता हूँ. जैसे ही मैंने पेज रिफ्रेश किया गाइस, आप देख सकते हैं कि आवर प्रोजेक्ट्स का एक टैब बन चुका है. अब ये टैब हमारे पोस्टों को क्रिएट करेगी. ओके, और इन पोस्टों को क्रिएट करने के बाद जब हम इसे सेव करेंगे, तो इसकी जो पोस्ट टाइप सेव होगी वो होगी, हमने क्या लिखा हुआ है, कस्टम प्रोजेक्ट्स के नाम से होगी. ओके, तो हम कुछ बनाएं अब और प्रोजेक्ट्स. अभी ये स्टार्टिंग में ब्लैंक होगी क्योंकि कोई पोस्ट नहीं है इसके अंदर. क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट वन टेस्ट. ओके, टेस्ट कंटेंट कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट. प्रोजेक्ट टाइप टू, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर. कंटेंट सेव, एक और बना लेते हैं सपोज प्रोजेक्ट थ्री स्पाइडरमैन. डबल कंटेंट कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट. Spider-Man test the new content copy test. तो अब अपनी लिस्टिंग को हम देखते हैं. तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हमने डमी बनाए हैं आवर प्रोजेक्ट्स कस्टम पोस्ट टाइप के अंदर. तो ये इन सब पोस्टों को, अब हमारी पोस्टें बन गई. तो जब इनके डेटाबेस में हम जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, ऑर्डर बाय असेंडिंग ऑर्डर करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर. तो आप देख सकते हैं पोस्ट टाइटल के अंदर हमारी पोस्टें सेव हो चुकी हैं. अब इनके पोस्ट टाइप को चेक कर लें एक बार. तो ये देख सकते हैं गाइस, ये जो सेव हुई है वो है कस्टम प्रोजेक्ट्स के नाम से. ओके, क्योंकि इसकी जो आईडी हमने पास की थी वो कस्टम प्रोजेक्ट्स था. तो इस तरीके से हम रजिस्टर माय प्रोजेक्ट्स के अंदर रजिस्टर पोस्ट टाइप मेथड, इसके अंदर फर्स्ट पैरामीटर जो हमने पास की वो है पोस्ट टाइप.
जो सेकंड आर्गुमेंट है वो एक एरे है जो बताते हैं कि कौन कौन से फीचर्स हमारे ये पोस्ट जो हमने बनाई है वो सपोर्ट करेंगे। पहला उसका जो लेवल का नाम होगा वो होगा आवर प्रोजेक्ट्स, ये लेवल का नाम है आप देख सकते हैं आवर प्रोजेक्ट्स। ओके पब्लिक ट्रू, ये क्योंकि जब भी हम कोई पोस्ट क्रिएट करेंगे इसे पोस्ट करने के बाद इसे पब्लिकली शो करना होगा, तो पब्लिक यहाँ आप देख सकते हैं पब्लिक इक्वल टू ट्रू विजिबिलिटी में। सो इन नेविगेशन मेन्यूज, सो इन नेव मेन्यूज मीन्स अगर मैं जाऊँ अपेरेंसेस के अंदर मेन्यूज के अंदर तो आप देख सकते हैं कि आवर प्रोजेक्ट्स अब हमारे नेविगेशन मेन्यू में शो हो रही है। ओके आवर प्रोजेक्ट्स इस नेविगेशन मेन्यू में अगर हम चाहें तो जैसे सपोज आयरन मैन 4 को हम चाहते हैं अपने मेन्यू में ऐड कर दें, ऐड टू मेन्यू। ओके यहाँ ऐड कर दिया हमने, सेव मेन्यू, रिफ्रेश आवर पेज। तो ये देख सकते हैं गाइस यहाँ पर एक सेक्शन बन गई है प्रोजेक्ट फॉर आयरन मैन। इसका मतलब कि हम अपने कस्टम पोस्ट टाइप के पोस्ट जो हमने बनाए हुए हैं उसे हम मेन्यू में ऐड भी कर सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज वी हैव एडेड, हमने शो इन नेव मेन्यूज को प्रूव किया हुआ है इसलिए वो नेविगेशन मेन्यूज में शो हो सकते हैं। ओके तो हम इसे हटा देते हैं अभी के लिए। अब सपोर्ट्स की बात आती है गाइस कि हमारी जो पोस्ट टाइप जो हमने बनाए हुए हैं अगर मैं बात करूं जैसे पेजेस सेक्शन में जाऊं इसी पेज पे भी क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं कि ये जो पेज टाइप है वो काफ़ी फीचर्स को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि इसके अंदर कस्टम फील्ड हो सकती है, इसके अंदर में एक कमेंट्स का सेक्शन डिस्कशन भी हो सकता है, इसके अंदर स्लग हो सकते हैं, इसके अंदर ऑथर भी हो सकते हैं, काफ़ी फीचर्स ये एक्चुअली सपोर्ट करती है। तो अगर मैं अपने मतलब मीन्स हमारे कस्टम पोस्ट टाइप में जाऊँ तो ऐसे फीचर्स हमें नहीं मिलेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि ऐसे फीचर्स हमारे कस्टम पोस्ट टाइप भी सपोर्ट करें तो हमें उसे सपोर्ट्स की एरे में पास करनी होगी। ये सपोर्ट सेक्शन इस पोस्ट टाइप को ये बताती है कि आपको कौन कौन से फीचर्स सपोर्ट करने हैं। ओके तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम कोई पोस्ट टाइप रजिस्टर करते हैं तो दो फीचर्स इसे बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है, फर्स्ट टाइटल, ये जो बॉक्स है वो टाइटल भी है, ये जो है वो एडिटर सेक्शन है। ओके तो दो फीचर्स तो मिलती ही मिलती है, तो उसे लिखते हैं टाइटल एडिटर। ओके अब मैं चाहता हूँ कि वो ऑथर सेक्शन भी सपोर्ट करें, ऑथर मैंने कुछ लिखा हुआ है, जस्ट कॉपी दिस फील्ड्स पेस्ट इट हियर। ओके तो बेसिकली हम ये चाहते हैं कि जब हमारी ये पोस्ट टाइप एक्टिवेट हो, एक्टिवेट होने के साथ साथ ये सारे फीचर्स को सपोर्ट करें, मीन्स टाइटल एडिटर ऑथर एक्सर्प्ट ऑथर सॉरी ऑथर दो बार हो गई, तो ये सारे फीचर्स को वो सपोर्ट करें। तो कंट्रोल एस टू सेव रिफ्रेश, तो ये हो गए टाइटल, ये हो गया एडिटर, ओके ये हो गई हमारी एक्सेप्ट सेक्शन, ये हो गई हमारी कस्टम फील्ड, ये हो गई हमारी डिस्कशन, ये हो गई ऑथर। तो ये फीचर्स अब हमने अपने कस्टम पोस्ट टाइप में भी रजिस्टर करवा लिया हुआ। ये कैसे हुआ? क्योंकि हमने सपोर्ट्स के एरे में हमें वो पैरामीटर्स पास किए हैं जो उसे चाहिए। इन पैरामीटर्स जब भी हम अपने पोस्ट टाइप को रजिस्टर किए हैं सबसे पहले क्या हुआ, उसने आईडी रजिस्टर की, उसने नेविगेशन मेन्यूज को सेट किया, उसके बाद वो ये चेक की कि हमारे ये कस्टम पोस्ट टाइप कौन कौन से फीचर सपोर्ट करती है। ओके दीज आर द फीचर्स दैट वी हैव इम्प्लीमेंटेड सो फार फॉर आवर दिस कस्टम पोस्ट टाइप। सो वो सारे फीचर्स को उसने लगा दिए उसके अंदर और हमारे फीचर्स सब आ गए। तो अब हमारी जो दूसरी बात है गाइस वो ये है कि हमने ये तो कर लिया,
हमने कस्टम पोस्ट टाइप भी बना ली, हमने कुछ कस्टम कंटेंट्स भी लिख लिए, अब हम इसे डैशबोर्ड पे कैसे शो करेंगे। लास्ट वीडियो सेशन में हमने ये दिखा था कि हम डिफ़ॉल्ट पोस्ट को कैसे शो करें, मीन्स हमने जो डिफ़ॉल्ट पोस्टें बनाई थी अपने मीन्स पोस्ट वाले टैब से, उसे तो हमने शो कर दिया था, लेकिन अब हम कैसे शो करेंगे उन पोस्टों को जो हमने अपने कस्टम पोस्ट टाइप से बनाई है। सो सिंपल टू लर्न, आपको कुछ नहीं करना, आपने जो पहले कोड किया हुआ था लास्ट वीडियो सेशन में, अगर आपको याद हो तो हमने WP क्वेरी एक फंक्शन यूज़ की थी, उसके अंदर में एरे में हमने दो पैरामीटर पास किए थे, जिसमें हमने पोस्ट टाइप में पोस्ट, पोस्ट स्टेटस में पब्लिश, ये दो पैरामीटर लिखा था, जिससे उसके बाद हमने उन एलिमेंट्स के ऊपर लूप चलाए और सारे इन्फॉर्मेशन को गेट किया। आपको कुछ चेंज नहीं करना, आपको बस पोस्ट टाइप में जो यहाँ पर पोस्ट है उसकी जगह पर बस आपको कस्टम प्रोजेक्ट्स करना है। ओके, कस्टम प्रोजेक्ट्स बिकॉज द पोस्ट दैट वी हैव क्रिएटेड बाय आवर टूल, उसकी जो पोस्ट टाइप है वो है कस्टम प्रोजेक्ट्स। ओके, तो हमने वो सेव कर लिया, कंट्रोल एस टू सेव, रन कर लूँ एक बार। तो आप देख सकते हैं गाइस, सक्सेसफुली वी हैव गेट आवर वी गॉट आवर द कंटेंट्स दैट वी हैव रिटेन इन दिस सेक्शन, हमने वो सारे कंटेंट्स को गेट कर लिया। ये हमारी हुई टाइटल, ये आयरन मैन मीन्स ये हमारी टाइटल, ये हमारी डिस्क्रिप्शन, तो इन चीज़ों को हमने देखा हुआ। ओके, तो दीज आर द मेथड्स, परमालिंक द टाइटल द कंटेंट, और भी कुछ मेथड्स हैं गाइस पोस्ट टाइप के डिटेल्स को गेट करने के लिए। अगर हम चाहते हैं कि जैसे इस पोस्ट को किस ऑथर ने क्रिएट किया हुआ है, तो कुछ नहीं करना, हमें बस द ऑथर, ओके, इस फंक्शन को यूज़ करना है। इस फंक्शन को यूज़ करते ही हमें उस ऑथर के नाम मिल जाएंगे जो इन प्रोजेक्ट्सों को क्रिएट किया हुआ है। तो एडमिन एडमिन एडमिन, अगर आपको बैकएंड में देखना हो तो क्लिक ऑन एडिट, स्क्रॉल करोगे जब आप नीचे तो आप देखोगे सबसे लास्ट सेक्शन में ऑथर का एक टैब है, और ऑथर में जो वैल्यू सेट है वो है एडमिन। ओके, ऑथर के अंदर जो वैल्यू है वो है एडमिन, और एडमिन ने इस प्रोजेक्ट को बनाया हुआ है। ओके, और जैसे कि आप चाहते हो कि पोस्ट हमारी किस डेट को क्रिएट हुई, हमारी डेट कौन सी थी, तो उसके लिए आपको यूज़ करना है द टाइम। ओके, कंट्रोल एस टू सेव, रन दैट। तो ये देखोगे कि आप एक टाइम अटैच्ड हो गई है, तो ये टाइम थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही। अगर आपको फॉर्मेट करना है डेट टाइम फॉर्मेट के साथ, तो आपको एक डॉक्यूमेंट खोलना है वर्डप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन में, फॉर्मेटिंग डेट एंड टाइम में जाना है टॉपिक के अंदर, और आपको यहाँ पर कुछ डेट्स के फॉर्मेट दिए हैं। ओके, तो मैं चाहता हूँ इस फॉर्मेट को यूज़ करना। ओके, तो आपको इसके कोड को कॉपी करना है, द टाइम के अंदर सिंगल कोट्स के अंदर इसे लिख देना है, क्लिक कंट्रोल एस टू सेव एंड सी द मैजिक। तो आप देख सकते हो गाइस, ये हमारी डेट टाइम ऑफ फॉर्मेट हो चुकी है, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव सा लग रहा है। अब कोई और ट्राई करते हैं, सपोज मैं ये ट्राई करना चाहूँगा, कॉपी दिस कोड, पेस्ट इट हियर, कंट्रोल एस टू सेव, प्रेस। सो अगेन वी हैव चेंज आवर फॉर्मेट। सो इस तरीके से गाइस हम चेंज कर सकते हैं अपने मीन्स डेट टाइम फॉर्मेट को। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ भी आई होगी। लास्ट और इस वीडियो में, दोनों वीडियोस में हमने देखा कि एक डिफ़ॉल्ट फीचर्स को कैसे शो करें, एक हमारे कस्टम फीचर्स को कैसे शो करें। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी मोटिवेशन होती है ताकि आपके लिए वीडियोज़ हम बना सकें। And also I will notify you when I will make any new videos for you. और so हम अपनी आगे आने वाले videos में और भी काफ़ी कुछ discuss करेंगे कि WordPress की और functionality को extend कैसे करें, उनकी फ़ायदे को कैसे समझें,
अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो गाइस तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आई विल गिव यू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। सो फॉर दिस वीडियो सेशन थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।